हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं किस तरीके से अपने वीडियोस को शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, कैमरे के पीछे क्या होता है, बैकग्राउंड कैसा होता है, कौन सा मोबाइल मैं यूज़ करती हूँ, कैमरा यूज़ करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मैंने अपने बैकग्राउंड को किया हुआ है सही, या फिर जो भी किया हुआ है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा मोटिवेशनल साबित हो जाए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप किसी काम के लिए स्टार्ट करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें आपको मिल जाए, जो भी आराम की चीज़ें होती हैं वो मिल जाए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप थोड़े में भी चाहोगे ना तो आप अपने काम को बढ़ा सकते हो, अच्छे खासे मुकाम पे आप उसे पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ अपने बैकग्राउंड की। तो मेरा जो ये बैकग्राउंड आप देख रहे हो ना, ये एक कर्टन है जो कि मैंने हाल फिलहाल में ही अच्छा समय हो गया है तो जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाया था। इसके भी पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो मेरा चैनल है, मैं करीब एक साल से ऊपर से मैं इस पर अपने वर्क कर रही हूँ। मतलब कि फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी 23 फरवरी 2020 को मैंने वीडियो अपलोड की थी, और अब से लेके अभी तक आप जोड़ लो मार्च, अप्रैल, मई, जून आने वाला है, यानी कि 15 महीनों से मैं इस चैनल पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है। तो एक बात बहुत लोग नहीं जानते होंगे, मुझे लगता है आप लोग नहीं जानते होंगे कि मेरा इसके पहले भी एक चैनल था जो कि मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए उस चैनल पे वर्क किया करती थी, और करीब एक साल से ऊपर मैंने उस पे वर्क भी किया। बट उसमें मैं वीडियोस कैसे डालती थी, एक महीने में एक, दो, तीन, ऐसा बस ऐसे ही डालती थी। मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे अच्छे से आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, यूट्यूब पर ही वर्क करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था उस वक्त। बस था कि खाली समय में बैठे हैं, सबको करते हुए देखा तो मुझे भी अच्छा लगा, मैंने सोचा मैं भी करूँगी, ठीक है। बस यही सोचकर मैंने वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर दिया था 2019 में जनवरी से। हाँ, 2019 में जनवरी से मैंने उस पर वर्क किया था। उस चैनल का नाम था, मैंने ना कई बार उस चैनल का नाम चेंज किया, कभी काव्यांग करके चेंज किया, कभी शिल्पांजू करके किया, कभी शिल्पा आरएस करके किया। तो इस तरीके से कई बार मैंने उस चैनल का नाम चेंज किया। उसके बाद मैंने बताया ना आपको, मैं वीडियोस बहुत ही कम अपलोड किया करती थी उस पर, क्योंकि वैसा कुछ नहीं था मेरे अंदर कि नहीं मुझे वीडियोस अपलोड करना है, मुझे आगे बढ़ना है, वैसा कुछ भी नहीं था। महीने में एक दो अपलोड कर दिया, जब भी टाइम मिला तो दो, तो कभी तीन, बस महीने में तीन से ज़्यादा मैंने कभी भी उस पर वीडियोस अपलोड नहीं की। बट कब वो वीडियो डालने की आदत मेरी लत बन गई ये मुझे पता ही नहीं चला। 2019 में मैंने उस पर वीडियो डालना स्टार्ट किया था, और 2019 के ही दिसंबर में एक साल होने वाला था और मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। तब मुझे लगा कि शायद कुछ मिसिंग है, मैं कुछ मिस कर रही हूँ। एक महीने तक मैंने मोबाइल नहीं लिया था, एक डेढ़ महीने तक, तो ऐसा लग रहा था कि लाइफ में कुछ तो मिसिंग है। वो जो अपलोड करने की आदत थी, बार बार चेक करने की जो आदत थी, कितने व्यूज़ गए, कितना वॉच टाइम मिला, ये जो चेक करने की जो आदत थी ना, वो एक अलग ही लत बन चुकी थी। तो वो एक अलग मिसिंग, कुछ मिसिंग वाली जो फीलिंग आती है ना, उस ढंग का होने लगा था मेरे साथ। एक बात और मैं आपको बता दूँ कि उस चैनल की एक अलग बात क्या थी ना, कि मुझे लोगों के सामने नहीं आना था। उसमें मैं अपने फेस को छिपा के अपने वर्क करती थी, जैसे कि कोई DIY बता दिया या फिर कोई और चीज़ बता दी, तो कुछ इस तरीके से DIY बता दिया, कभी मेहंदी वगैरह कुछ बता दी, डिज़ाइन वगैरह, तो कुछ इस तरीके से मैं वीडियोस अपलोड किया करती थी। उसमें मेरा फेस बिल्कुल भी नहीं था। अभी भी आप देखोगे ना, जब आप मेरे पहले की वीडियोज़ में जाओगे, एक साल पहले की वीडियोज़ में, तो वहाँ पर आपको मेरा फेस नज़र नहीं आएगा, बस मेरे हाथ वगैरह नज़र आएंगे आपको DIY करते हुए, दैट्स इट। मैं आपको सामने बिल्कुल भी नज़र नहीं आऊँगी। तो उसके बाद 24 फरवरी 2020 को मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, राबी शिल्पा, जिसकी वीडियोस आप अभी देखते हो और अभी आप देख रहे हो मुझे, उसी चैनल पे वॉच कर रहे हो। तो अब जाके 15 महीनों से मैंने इस पर वर्क किया और अच्छी खासी प्रोग्रेस मेरी हुई इस चैनल पे, और अब ये मेरी लत बन चुकी है जिसे मुझे आगे बढ़ाना है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ अपने कर्टन्स को लेकर के। सबसे पहले आप ये जो कर्टन देख रहे हो ना, इस चैनल को बनाने के बाद जब मैंने सोचा कि हाँ मुझे इस पे वर्क करना है, सबसे पहले मैंने ये सोचा कि नहीं अब मुझे इस चैनल पे वर्क करना है, मुझे आगे बढ़ना है,
तो ये सारी चीजें सोचने के बाद ही फिर मैंने इस पे इन्वेस्ट किया। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट मेरा यही था, ये कर्टन्स। तो ये मैंने कर्टन लिया हुआ था अमेजोन से, जिसकी प्राइस मुझे 400 रुपये पड़ी थी, आई थिंक 200 रुपये का एक, 200 रुपये 199 का एक, हाँ 400 रुपये लगभग मुझे दो की पड़ी थी। और ये जो कर्टन आप देख रहे हो ना, इसमें दो कर्टन है, ठीक है। और बैकग्राउंड की बात की जाए तो पेंट्स अच्छा खासा है, बट आपको पता है कर्टन के पीछे क्या है? मैं आपको आज दिखा देती हूँ। कर्टन के पीछे है विंडो, और आपको ये विंडो जल्दी नहीं देखने को मिलता होगा, बिकॉज ज्यादातर मैं वीडियोस को है ना रात में शूट किया करती हूँ, ताकि आवाज वगैरह, गाड़ियों की आवाज वगैरह ना आए, तो इसलिए मैं रात में ही वीडियो को शूट करती हूँ। तो थोड़ी सी लाइटिंग की हो सकता है आपको प्रॉब्लम लगती होगी उस वक्त, तो मैं आपको बता दूँ कि रात को मैं वीडियो शूट करती हूँ और कर्टन्स के पीछे विंडो है। इसके बाद ये जो चीज आप देख रहे हो ना इधर, तो ये चीज मैंने हाल फिलहाल में लिया हुआ है। और ये जो ड्रॉवर है, ये ऑर्गेनाइजर, जो कि मैंने मीशो से ही मंगाया है, तो इसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, अब मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, आपने अगर नहीं देखा तो आप वो देख लेना। तो जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, समय बीतता गया, उस तरीके से कुछ कुछ चीजें मैं लेती चली गई। तो अब मैं आपको लेके चल रही हूँ कैमरे के पीछे, कि कैमरे के पीछे क्या होता है, ठीक है। कैमरे के पीछे कुछ इस तरीके की जगह है, ये है चेयर जिसपे मैं बैठ के वीडियो शूट करती हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजर है, ये मैंने हाल फिलहाल में ही लिया हुआ है, इसकी रिव्यू मैं आपको फिर से बता रही हूँ। मैंने अपलोड की हुई है वीडियो, आप लोगों ने शायद देखा होगा, इसी चैनल पे मैंने किया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिया एक छोटू सा गणेश जी, बहुत समय पहले मुझे एक गिफ्ट में मिला हुआ था, जिसे मैंने आज तक इसे संभाल के रखा हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेडी लगाया हुआ है, यहाँ पे फ्लावर्स लगाए हुए, बस ऐ वही खोस दिया है अपने, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉवर लगाए हुए हैं मैंने, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें मैंने यहाँ पे सेट की हुई है, ठीक है। सब मिला के कुछ इस तरीके का आपको दिखता है। और यहाँ पे विंडो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी दोपहर के 2:30 से ज़्यादा बज रहे हैं, तो आपको ये इस तरीके से विंडो देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद चलिए अब आते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बगल में एक ट्रंक रखा हुआ है, जिसके ऊपर कुछ सामान वगैरह रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे टैडी वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पे कंघी रखी हुई है, आईना, ये सारी चीज़ें रखी हुई। यहाँ पे पानी वगैरह के लिए मैंने रख दिया, कुछ बुक्स वहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद अगर मैं आपको सामने से दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखो टेबल लगा हुआ है, सॉरी एक चेयर लगी हुई है, जिसे मैंने डबल करके थोड़ी सी ऊंचाई में रखा हुआ है। और यहाँ पे पहले एक टेबल लगी हुई थी, जिसे अभी मैंने यहाँ से हटा दिया है, उसकी ज़रूरत कहीं और ज़्यादा थी, तो वहाँ पे रखा हुआ है वो। और यहाँ पे मेरा ट्राईपॉड रखा हुआ है, और ट्राईपॉड की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ट्राईपॉड अभी से मैंने करीब 15 महीने पहले ही लिया हुआ था, जब मैंने ये रावी शिल्पा चैनल क्रिएट किया था, उस वक्त मैंने ये वाला लिया हुआ था। और इसकी हालत अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हल्की से ही हिलने के बाद ये गिर जाती है, तो मोबाइल ख़राब होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि मैं अगर आपको दिखाऊँ, तो काफ़ी सारे ये जो लॉक्स है ना इसके, ये वाले ख़राब हो चुके हैं। बट अगर आप बिगनर हो और स्टार्ट करना चाहते हो अपना यूट्यूब चैनल, तो आप इस तरीके का ट्राईपॉड आप ले सकते हो, 1 साल से ज़्यादा समय तक आपको बहुत ही अच्छे से चल जाएगा ये वाला। तो ये 1 साल से ज़्यादा चल जाएगा, उसके बाद ये जो लॉक्स हैं ये ख़राब हो चुके हैं। आप देखो यहाँ पे 3 लॉक, भले ही आपको ये हल्की सी भी हिलेगी तो ये टूट जाएगी, आप देख सकते हो, सॉरी गिर जाएगी, क्योंकि ये लॉक भी इसका ख़राब, क्योंकि ये वाला लॉक भी आप देख सकते हो ख़राब हो चुका है, कई बार इससे है ना मेरा मोबाइल गिर भी चुका है। और अभी मैं जो शूट करती हूँ अपने मोबाइल से ही शूट करती हूँ, और मेरा मोबाइल ऐसा नहीं है कि मैं आईफोन वगैरह यूज़ करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास जो मोबाइल है वो है ओप्पो का A1601, उसकी प्राइस आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से टेढ़ा हो जाता है, और मुझे इसे सेट करना पड़ता है, और कुल मिला के इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बट जब अब मैंने सोचा है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, और मैंने कंफर्म अब सोच लिया है कि मुझे अब इस पर वर्क करना है, तो मैं जल्दी एक रिंग लाइट लूँगी, जिसमें कि ट्राईपॉड वगैरह भी मैं ले लूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लाइटिंग के बारे में दिखा दूँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की लाइटिंग आप देख लो, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, इसमें मैं जितने भी चाहूँ उतने सारे बल्ब लगा सकती हूँ, बस होल्डर लगाना है और बल्ब लगा सकती हूँ। कुछ इस तरीके का स्टैंड मैंने बनवाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद और, इसके बाद और भी ज़्यादा लाइटिंग की बात की जाए, तो मैं आपको और लाइट्स दिखा देती हूँ। जैसे कि एक ऊपर यहाँ पर होल्डर दिया हुआ है, जिसमें कि नाइट बल्ब लगा हुआ है, ज़रूरत पड़ने पर मैं यहाँ पर भी बल्ब लगा सकती हूँ। उसके बाद एक बड़ा सा बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है,
और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सामने से भी मैं जितने चाहूँ उतने बल्ब यहाँ से लगा सकती हूँ, प्लस सामने से अच्छी खासी लाइट आती है दिन में, बट अगर रात में शूट करूँ तो सामने से कोई लाइट नहीं मिलेगी मुझे, कोई भी सूर्य की रोशनी मुझे नहीं मिलेगी। बट अगर आपके पास लाइट की प्रॉब्लम है तो कुछ इस तरीके की, अगर आपके पास विंडो है तो आप वहाँ से जा करके सामने से आराम से आप अपने वीडियोज़ को रिकॉर्ड। अब आप लोग को लग रहा होगा कि जब इतना कुछ खर्च किया ही, इतनी सारी लाइटिंग्स वगैरह ली ही, तो रिंग लाइट क्यों नहीं ले लिया। इसलिए मैंने नहीं लिया, ये जो मैंने लाइट्स वगैरह लिए हैं वो वन बाय वन करके लिया, और ये चीज़ें ना बेकार नहीं जाएंगी। बट जो अगर मैं रिंग लाइट ले लेती तो इसका पता नहीं था कि अगर मैं वीडियो नहीं करूँगी तो उस रिंग लाइट का क्या होगा, तो वो बेकार हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने रिंग लाइट नहीं लिया। और एक बार में मुझे अच्छे खासे पैसे उसमें फंसाना नहीं था, क्योंकि अगर आप अच्छी रिंग लाइट लोगे तो 4 से 5 हज़ार रुपये तो ज़रूर ही लगेंगे। और ऑनलाइन मैं मंगाना भी नहीं चाहती थी, और अभी भी मैं मंगाना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ ऑनलाइन रिंग लाइट, बिकॉज़ मैंने एक ये रिंग लाइट छोटू सा मंगवाया था जो कि 300 के आसपास मुझे पड़ा, और इस ये जो मैंने मंगवाया ना, ये देख के मंगवाया कि ये चार्जेबल है, बट जब मैंने मेरे पास ये आया तो ये चार्जेबल नहीं था। इसमें बैटरी लगती है जैसा कि आप देख सकते हो, तो कुछ इस तरीके की रिंग लाइट मुझे मिली। और इसकी जो बैटरी है, आप कितना भी लगा लो, बहुत वीडियो, एक वीडियो शूट करते करते आपकी वीडियोस, आपकी जो बैटरी है ना रिंग लाइट की, वो डाउन हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके की आपको सामने से दिखाई देगी। तो अब बात आती है वॉइस की, तो वॉइस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप माइक लो, अगर आपको लेना भी है तो आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा दाम का नहीं आता है, 250-300 में अच्छे खासे माइक आ जाते हैं। उसके बाद जो आपने मेरा ये ट्राइपॉड देखा वो भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 250 रुपए का है और ये एक साल चल गया। बट अब मैं जब मैंने ये सोचा हुआ है कि अब मुझे कंटिन्यू करना है यूट्यूब ही, तो मैं अब अच्छा खासा सोच रही हूँ कि पैसे मैं अब इन्वेस्ट करूँगी इन सब चीज़ों में। तो आप चाहोगे वॉइस की रिकॉर्डिंग के लिए, आवाज़ के लिए, तो आप अपना हेडफोन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप चाहो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो उस तरीके से आप उसमें पैसे लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा वैसा कोई तामझाम मैंने खुद के लिए भी नहीं रखा हुआ है, आप देख सकते हो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और मेरी क्या हालत हुई है पसीने से। तो ऐसा नहीं है कि जब आपको, अगर आपको वीडियो बनाना है, यूट्यूब स्टार्ट करना है, तो आप एसी लगा लो, कैमरा ले लो, लैपटॉप ले लो एडिटिंग के लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप स्टार्ट करना चाहोगे ना, तो आप बस एक मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हो, बस आपके पास कोई सी भी एक मोबाइल होनी चाहिए जो कि एंड्रॉयड सेट हो। हाँ, लोग कहते हैं कि अभी के समय में थोड़ी सी कंटेंट भी अच्छी होनी चाहिए, साथ में कंटेंट के साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो अभी के जो मोबाइल्स आते हैं एंड्रॉयड्स, उतनी क्वालिटी आपको मिल जाएगी जिससे कि आप वीडियोस वगैरह बहुत ही अच्छे से अपलोड कर लोगे। तो मेरे पास, अगर मैं कभी भी वीडियोस वगैरह अपलोड करती हूँ ना, जैसे कि कोई ब्यूटी कहते हैं ना, मेकअप वीडियो वगैरह, तो उसमें मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हर एक प्रोडक्ट लगाने के बाद कभी फ़ैन ऑन किया, कभी थोड़ा सा घूम लिए, फिर आए, फिर वीडियो शूट किया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ो, उस तरीके से आप पैसे को इसमें इन्वेस्ट करो। डायरेक्ट अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो जिस तरीके से यूट्यूब पे भी भीड़ आ रही है, इतने ज़्यादा ही क्या कह सकते हैं उसे, इतनी ज़्यादा कंपटीशन हो रही है ना यूट्यूब पे भी, तो इस पर भी चलना थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप सही से आगे बढ़ना चाहते हो तो। सो गाइज, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलती हूँ अगले वीडियोस में, ठीक है। सो टिल देन, बाय बाय।